नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। बजट में प्रतापगढ़ जिले को कृषि और नर्सिंग कॉलेज की सौगात मिलने से उत्साहित लोग बड़ी संख्या में धमोतर स्थित टोल नाके पर पहुंचे। कर्मचारी संगठनों के साथ ही क्षेत्र के लोगों ने भी प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा का जोरदार स्वागत किया और यहाँ से विधायक का स्वागत कर जुलूस के रूप में शहर के गांधी चौराहे पर पहुंचे। इस दौरान रास्ते में जगह जगह विभिन्न कर्मचारी संगठनों और लोगों द्वारा मीना का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। गांधी चौराहे पर पहुंचने पर सभापति रामकन्या गुर्जर के नेतृत्व में पार्षदों ने विधायक का स्वागत किया। इस दौरान चौराहे पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। गांधी चौराहे पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने पर विधायक का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल में जिले को काफी सौगातें मिली हैं। इनमें 4 कॉलेज के साथ ही एससी का होटल सबसे बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिले को कृषि कॉलेज देकर एक इतिहास रचा है। इस कॉलेज से यहाँ के युवाओं के साथ ही किसानों को भी काफी फायदा होगा।